हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। दोस्तों, क्या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, ड्राई पैचेस हो रहे हैं, या फिर आपको अपनी स्किन बिल्कुल खिंची खिंची सी लग रही है इस सर्दी के मौसम में? तो आपको यूज़ करना चाहिए ग्लिसरीन ट्रीटमेंट फॉर योर फेस। मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में ग्लिसरीन ट्रीटमेंट बताया था आपके ड्राई, फ्रिजी, डल बालों के लिए, तो वो वीडियो आप देखिए बालों के लिए। और आज की वीडियो है फेस के लिए, स्किन के लिए, कि ग्लिसरीन को कैसे आप यूज़ कर सकते हो जिससे इस सर्दी के मौसम में आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनी रहे, ड्राइनेस बिल्कुल भाग जाए। होता क्या है दोस्तों, ग्लिसरीन एक सुपर हीरो है हमारी ड्राई स्किन के लिए। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अगर आप इसको सही से यूज़ करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो स्किन पे आप इसको कैसे यूज़ करोगे वो सारी चीज़ें देखना, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो बेस्ट फेस वॉश कौन से हैं आपके ड्राई फेस के लिए, ड्राई स्किन के लिए, तो वो वीडियो मैंने अपलोड की है अपने दूसरे चैनल पे, उसका लिंक आ रहा है आई बटन पे और साथ ही पिन कमेंट में मिलेगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि फेस वॉश भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्किन पे। तो वो वीडियो देखिएगा। और आज की वीडियो आपको लाइक करनी है, कमेंट करना है, साथ ही इसको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा ग्लिसरीन ड्राई स्किन का सुपर हीरो है। ग्लिसरीन आपने देखा होगा जब भी आप बॉडी लोशन खरीदते हो, मॉइस्चराइजर, फेस पैक, फेस मास्क या फिर सोप्स लेते हो, तो उसमें ग्लिसरीन लिखा होता है, ग्लिसरीन सोप है, ये ड्राई नहीं करेगा, तो वो सही में ही होता है। तो अगर आप घर में इसको यूज़ करेंगे तो उसका और अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, आपको अपने फेस को करना है वॉश। ड्राई स्किन के लिए जो फेस वॉश होते हैं उन्हें यूज़ करिए, जो कि मैं आपको वीडियो बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को आप टॉवल से पोंछ लेंगे, ड्राई कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में आप बनाएंगे एक फेस पैक। फेस पैक बहुत ज़्यादा आसान है। एक चम्मच आपको लेनी है ग्लिसरीन और एक चम्मच लेना है आपको हनी। दोनों को मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसको आप कम से कम 20 मिनट तक अपने फेस पे रखोगे, फिर पानी से धो लोगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फेस पैक जब आपने धो लिया, अपने फेस को क्लीन और ड्राई कर लिया, फिर आप अप्लाई करिए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र में आपको 5-6 बूंदें ग्लिसरीन की डालनी है, तब अप्लाई करना है। सिर्फ आपको ये 3 स्टेप करने हैं रोज़। अगर आप इसको एक हफ्ते तक करोगे डेली तो आपको इसका फ़ायदा दिखाई देगा, जो आपके फेस पे ड्राइनेस है और बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा सा आपको महसूस होता है वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है उसको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। रिंकल्स और फाइन लाइंस एज से पहले नज़र आने लगते हैं, तो अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए, ड्राइनेस को हटाइए, जिससे कि आपके फेस पे जल्दी एजिंग भी ना आए। तो जिनकी स्किन पे एजिंग आ गई है और रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे फेस को टाइट करने में भी हेल्प करता है, पोर्स को क्लीन करता है और सॉफ्ट स्मूथ तो बनाता ही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही है ना तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बेल आइकन क्लिक कर देना और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।